हे गाइज, आई एम शिल्पी। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की वीडियो में मैंने रिक्रिएट किया है अनन्या पांडे का कोका लुक, एंड ये है फ्रॉम द मूवी लाइगर। ये लुक मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, साथ ही साथ गाना भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो मैंने रिक्रिएट किया है ये वाला लुक, एंड आई होप आपको पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा फेस्टिव यू नो वाइब है और बहुत ज़्यादा इंडियन आउटफिट के साथ ये वाला लुक जाएगा। एंड लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मैं इसमें सब सारे स्टेप्स आपको ध्यान से समझाने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मॉइस्चराइज भी कर लिया है, एंड मेकअप का स्टार्ट कर रही हूँ मैं प्राइमर से। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का 3-in-1 प्राइमर, और इस प्राइमर में आपको मॉइस्चराइजर भी मिल जाएगा, तो इसमें बहुत ही अच्छे से सटल ग्लो आ जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा ही मैं लगाऊंगी और इसको पूरे अच्छे से मसाज कर लूँगी अपने पूरे फेस में, क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है। ये आपके पोर्स को ब्लर करेगा और साथ ही साथ आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। अब नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे करेक्टर। अब देखिए, जहाँ जहाँ पे भी मुझे ज़्यादा डार्कनेस लग रही, लाइक अंडर आइज़ में मुझे थोड़ी सी डार्कनेस है, एकदम मतलब जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना वो वाले हैं, एंड उसको हाइड करने के लिए मैं ऑरेंज करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। पीच करेक्टर और ऑरेंज करेक्टर ये होते हैं, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क है तो आपके ऊपर ऑरेंज करेक्टर जाएगा, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी लाइट है, मेरे से कम मतलब थोड़ा सा फेयर है आपका स्किन टोन, तो उसमें आपका जाएगा और पीच करेक्टर। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा डार्कनेस है वहाँ पे लगा लूँगी, क्योंकि इससे ना अगर मैं कोई भी कंसीलर और फाउंडेशन लगाऊंगी तो वो ब्राउन नहीं होगा, अगर आप डायरेक्ट लगा लोगे तो वो ग्रे या ब्राउन होने लगता है बाद में, बट इसको लगाने के बाद आपका जो फाउंडेशन है वो ब्लैक नहीं होगा, काला नहीं होगा और ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो यहाँ पे देखिए, मैंने ये इनसाइड कॉस्मेटिक का ये करेक्टर जो पैलेट है, मैं अपने हर मेकअप वीडियो में आपको बताती हूँ, ये वाला पैलेट बहुत ही अमेजिंग है, अफोर्डेबल रेंज में है बट बहुत ही अच्छा इसमें प्रोडक्ट है। जितने भी अभी मैंने ज़्यादातर मैंने इसमें हाइलाइटर एंड ये पीच करेक्टर और साथ ही साथ ये कॉन्टोर प्रोडक्ट ही यूज़ किया है, बाकी और सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, बट मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी कि इसके प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करने हैं। तो मैं जल्दी से इसको ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे जहाँ जहाँ पे भी मैंने इसको अप्लाई किया है, एंड यू कैन सी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है ये। एंड अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन, अमेजिंग फाउंडेशन है, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा ही आप लगाओगे ना तब भी ये बहुत अच्छा कवरेज देता है। यू कैन सी मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं अप्लाई कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ही जितना मुझे नीड है बस उतना ही अप्लाई कर रही हूँ इसको। पहले मैं इस तरीके से डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। अभी मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया, इसको पूरा स्क्वीज़ करके उसके बाद मैं देखिए डैब डैब करके और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। इसकी जो ब्लेंडेबिलिटी है ना बहुत अच्छी है इस फाउंडेशन की, और साथ ही साथ आप कवरेज भी साथ ही साथ देखते जाइए, जितना भी मेरे डार्कनेस वगैरह हैं जो भी स्पॉट्स वगैरह हैं उसको कवर कर ले रहा है बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ मैंने करेक्टर भी यूज़ किया है तो उस जगह पर मुझे ब्राउन भी नहीं होगा, बहुत ही अच्छा कवरेज है। येलो टिंट है इसमें, और ये देखिए कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो जा रहा है। तो मैं इसको थोरली पूरा अपने फेस पर ब्लेंड कर लूंगी। सो गाइस, फाउंडेशन ब्लेंड हो गया एकदम मेरे स्किन टोन पे ही लग रहा है, आप देख सकते हो, बट देखिए अभी डार्क सर्कल्स रह गए हैं थोड़ा सा, और अंडर आइज़ को थोड़ा हाईलाइट भी करेंगे और डार्क सर्कल्स को और अच्छे से हाइड करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सेम पैलेट से ही कंसीलर शेड अप्लाई किया है, ये थोड़ा येलो टिंट में है, तो ये हाईलाइट करने के साथ साथ कंसील भी कर लेगा हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह को। देखो, अंडर आइज़ में मुझे बहुत ज़रूरत है तो मैं वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही साथ मेरे माउथ के अराउंड थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर डार्कनेस तो मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी, और नोज़ पे यहाँ पे मुझे इन दोनों जगहों पे थोड़ा सा डार्कनेस रहती है तो वहाँ पे भी मैं अप्लाई कर लूँगी, और साथ ही साथ मैं अपने थोड़े से फोरहेड को हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे ही अप्लाई करूँगी सेम कंसीलर। अभी हम सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर लेंगे जहाँ जहाँ पर हमने कंसीलर लगाया है। इसकी ब्लेंडेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, ये अफोर्डेबल रेंज में है ये करेक्टर पैलेट। ये सिंगल सिंगल शेड्स भी मिलते हैं, इनसाइड कॉस्मेटिक का है ये, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगेन सारे प्रोडक्ट्स के, आप ज़रूर चेकआउट करना वहाँ से।
सो गाइज कंसीलर भी हमारा ब्लेंड हो चुका है, अब इसे ज़रूरत है पाउडर से सेट करने की, नहीं तो ये क्रीज करने लगेगा। तो अभी हम लूज पाउडर लेंगे और उसको ब्लेंडर की हेल्प से ही यहाँ पे जहाँ पे भी हमें सेट करना है वहाँ पे हम पाउडर लगा लेंगे, उसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। और पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का बनाना पाउडर है। अब देखिए जहाँ जहाँ पे भी मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ से मैं पाउडर से सेट कर ले रही हूँ जिससे क्रीज लाइंस ना बन पाए। तो गाइस हमारा बेस कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग करेंगे अपना आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये पैलेट एंड एक एंगुलर ब्रश, उसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी एंड फिल करना स्टार्ट करूँगी अपना आईब्रोज। ये वाला एंगुलर ब्रश जो है ना बहुत ही अमेजिंग है, अफोर्डेबल रेंज में मिला था मुझे अमेजोन से ये पूरा ब्रश का शेड, उसमें से ही आया था ये और बहुत अच्छे से फिल हो जाता है इससे आईब्रोज। कोई भी एंगुलर ब्रश आप ले सकते हो और कोई भी आई शेडो पैलेट से आप डार्क ब्राउन शेड ले सकते हो। एंड यू कैन सी मैंने पीछे से भरना, टेल से मतलब स्टार्ट किया है भरना आईब्रोज को, स्टार्टिंग से ही नहीं भरती हूँ वहाँ पर, जब कम प्रोडक्ट बचता है उसके बाद मैं वहाँ पे फिल कर लेती हूँ। जस्ट अपने आईब्रोज के शेप को थोड़ा सा बढ़ा के ही मैं फिल करती हूँ एंड यू कैन सी कितना अच्छे से शेप आ जाता है। एंड मुझे इस तरीके से आई शेडो से ही अपना आईब्रोज बनाने में बहुत मज़ा आती है। एंड मैं अलग से कोई ब्राउ बोमेड या फिर आई पेंसिल ये सब यूज़ नहीं करती हूँ। पहले मैं यूज़ करती थी सोगा कॉस्मेटिक का आईब्रो ब्राउ बोमेड था एक उसका, वो यूज़ करती थी, वो भी बहुत अच्छा था एंड उसमें भी शेड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। एंड यू कैन सी मेरी आईब्रोज जो है वो फिल हो चुकी है। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का ही वाला पैलेट लूँगी सेम, उसमें से ये वाला शेड लेके मैं अप्लाई करूँगी। ये एक डार्क मरून शेड है एंड एकदम से परफेक्टली जा रहा है उस लुक पे। आप देखोगे अनन्या पांडे का जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा ना एकदम से न्यूड मेकअप है, बट उसमें से थोड़ा सा रेड या मरून शेड आ रहा था तो मैंने ये वाला शेड पिक किया है। एंड इसको मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी जिससे कि कोई भी हार्स लाइंस ना रह जाए। बस यही एक सिंगल आई शेडो मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था ज़्यादा शिमर वगैरह। गाइस क्रीज ब्लेंड करने के बाद हम लेंगे एक काजल, काजल से ही हम एक बोल्ड लाइन ड्रॉ करेंगे अपने अपर एंड लोअर दोनों लाइंस पे, आई लाइंस पे। यू कैन सी धीरे धीरे ही ब्लेंड करेंगे बट अच्छे से हम उसको ब्लेंड कर लेंगे और एकदम बोल्ड काजल जैसे होता है उस तरीके से हम अप्लाई करेंगे अपने अपर एंड लोअर दोनों आई लाइंस पे। एंड अब स्विस ब्यूटी वाले पैलेट से हम डार्क ब्राउन शेड लेंगे जिसे हमने अपना आईब्रोज फिल किया था एंड उसकी हेल्प से ही हम जो काजल है उसको स्मज करने का करेंगे हम। ये दूसरा ब्रश लिया है मैंने, स्मजर ब्रश है एंड उसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से स्मज कर लेंगे अपर एंड लोअर दोनों आई लाइन्स पे, वाटर लाइन पे ही। एंड जो शेडो मैंने आई लगाया था पहले से ही अपने क्रीज पे उसी को थोड़ा सा लेके और डार्क कर लेंगे और अच्छे से क्रीज को ब्लेंड कर लेंगे साथ ही साथ। एंड यू कैन सी हमारा जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। एंड अब मैं यूज़ करूँगी मस्कारा, लेस सेंसेशनल मस्कारा है फ्रॉम मेबेलिन और इसकी 4-5 कोट्स हम अप्लाई करेंगे अपने अपर एंड लोअर लैसेस में अच्छे से। जितने भी आई मेकअप के टाइम पे फॉल आउट्स हुए थे उसको हम क्लीन कर लेंगे और साथ ही साथ हमने जो पाउडर लगाया था उसको ब्लेंड कर लेंगे पूरे फेस पे।
सो गाइज अभी हम लोग ले रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन शेड में, ये लिपस्टिक है डार्क ब्राउन शेड में, इसमें थोड़ा पिंकिश टोन भी आता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे एज अ ब्लश। इसमें मैं थोड़ा सा कंसीलर मिक्स कर रही हूँ और इसको अप्लाई करूँगी। अभी ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और लिपस्टिक ना बहुत ज़्यादा ड्राई थी, मुझे मैंने ये गलती की कि मुझे ज़्यादा ड्राइंग वाली लिपस्टिक यूज़ नहीं करनी थी। लिक्विड लिपस्टिक आप यूज़ कर सकते हो, बट जो तुरंत ड्राई ना हो वो वाली लिपस्टिक यूज़ करनी है। बट ये वाली लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ड्राइंग है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैंने ये गलती कर दी। अब देखिए यहाँ पे कलर पे ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है, दोनों गालों पे देखिए आप बहुत ज़्यादा कलर हो गया था, तो अब हम इसको ठीक करेंगे। अभी मैं ले रही हूँ अपना ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर पे ही मैं स्प्रे करूँगी मेकअप फिक्सर अपना, एंड इसको ही ना डैब डैब करेंगे अपने यहाँ पे जो हमारा ब्लश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे, डैब डैब करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो मेकअप है बहुत ज़्यादा अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा, और साथ ही साथ ये लॉन्ग लास्टिंग भी होने वाला है। आप चाहो तो डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपना मेकअप फिक्स, और उसके बाद इस तरीके से ब्लेंड कर लो ना, इससे इसका जो कलर है वो अच्छा खासा फेड हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड भी ये काम भर का फेड हो चुका है, बट मुझे इसको और भी ज़्यादा नेचुरल करना है, तो इसमें मैं बनाना पाउडर लगा ले रही हूँ यहाँ पे जहाँ पे ही मैंने ब्लश लगाया है। इससे ये ना और भी ज़्यादा विद इन ब्लश का टोन आएगा, और साथ ही साथ हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, तो वो एरिया ना थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखेगा, जिससे कि ब्लश का जो असर है वो थोड़ा सा कम दिखेगा। एंड अनन्या पांडे के लुक पे ना ब्लश की जगह पे बहुत ज़्यादा ब्रॉन्जी टोन दिख रहा था, तो मैंने जहाँ पे ब्लश अप्लाई किया है वहीं पे मैं ढेर सारा ब्रॉन्जर अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि इनका जो लुक था ना बहुत ही अच्छे से ब्रॉन्ज करा हुआ लुक था, एकदम से यू नो सन टैन लुक, उस तरीके से लुक था, मुझे तो बहुत पसंद आया था ये वाला लुक, इसलिए मैं रिक्रिएट कर रही हूँ इसको। सो गाइस चीक्स के साथ साथ अनन्या पांडे का जो फोरहेड था वो भी ब्रॉन्ज लग रहा था, तो वहाँ पे भी मैं अच्छे से ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। ये क्रॉन्टोर प्रोडक्ट है, बट इसको एज अ ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क ब्राउन शेड है ना ये, तो यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी, ब्रॉन्ज कर लूँगी, जैसे कि ये परफेक्ट लुक आए। अभी यहाँ पर मैं अपने जॉ लाइन के पास भी कर लूँगी ब्रॉन्ज, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शार्प लुक है अनन्या पांडे का, जो उस वाले फ़ोटोज़ में मुझे समझ में आ रहा था जहाँ तक, तो मैं अच्छे से शार्प कर लूँगी अपने जॉ लाइन को, एंड यू कैन सी शार्पनेस आपको अलग से ही दिख रही होंगी। एंड ये जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है सुगर कॉस्मेटिक का पैलेट का, उसमें से ही मैं कॉन्टोर शेड ले रही हूँ, और इससे अपना नोज़ भी मैं थोड़ा सा कॉन्टोर कर लूँगी। अभी मैं सेम लिपस्टिक लूँगी और उसको अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे, थोड़ा थोड़ा ही डैब डैब करके लगवाऊँगी, क्योंकि ना ये वाला शेड बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता, तो मैं इसको डैब डैब करके लगाऊँगी और फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी, तो इसकी जो डार्कनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लाइट कलर ही आएगा मेरे लिप्स पे। एंड उसके बाद मैं एक और न्यूड लिपस्टिक है मेरे पास, उसको अप्लाई कर लूँगी, तो एकदम से परफेक्ट शेड आ जाएगा ये। सो गाइज मैंने इसको बहुत हद तक ट्राई किया है इस लुक को रिक्रिएट करने का, एंड इस नथ और इयररिंग्स के साथ तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा हद तक सिमिलर लग रहे हैं। आपको ये लुक कितना अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड आप लोग ये लुक क्रिएट करना चाहते हो या नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बताना, और कौन सी वीडियोज़ आपको चाहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आप वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।